लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद नुक्कड़ सभाओं का दौर शुरू हो चुका है। चुनावी माहौल को गति प्रदान करने के लिए मंगलवार को सिंगीकाट मोहल्ला में पूर्व कर्मचारी नेता सुरेश चंद्र दुलगर ने जनसंपर्क अभियान के अंतर्गत नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। वहीं उन्होंने मीडिया को बताया कि वे भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। मंगलवार को सिंगीकाट मोहल्ला के पूर्व कर्मचारी नेता सुरेश चंद्र दुलगट ने अपने जनसंपर्क अभियान के तहत एक नुक्कड़ सभा का आयोजन किया। सुरेश चंद्र दुलगट ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोगों में जाकर उनके समर्थन की अपील कर रहे हैं तथा नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से लोगों को विकास का भरोसा दिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब वह पूर्व कर्मचारी नेता थे तो कर्मचारियों की मांगों के लिए लड़ाई लड़ते थे। अब रिटायरमेंट होने के बाद वह आम जनता की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए नुक्कड़ सभा व जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों के बीच जाकर उनके समर्थन की अपील कर रहे हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए का और मैं सभी बहन और बेटियों से अनुरोध करता हूँ, नौजवान साथियों से, एक गरीब का साथ तुम दोगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। इनकी मांग मैं अवश्य उठाऊंगा और भिवानी प्रशासन से अनुरोध करूंगा, जो पैसा आया वाहन का, लैट्रीन का, मकानों का, इनका तुरंत ही प्रदान किया जाए, क्योंकि ताकि बेचारे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं ये। और प्रशासन से अपील करता हूँ कि जल्दी ही जल्दी इनका पैसा, इनका लाभ किया जाए।